दरभंगा जिले में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बहेड़ी थाना क्षेत्र के शंकर रोहार चौक पर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से 30 लाख रुपए से ज्यादा के गहने और नकदी लूट लिए। दुकानदार के मुताबिक चार बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के बच्चों और वहां मौजूद ग्राहकों को कब्जे में ले लिया और उनके साथ मारपीट भी की। अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को कब्जे में लिया और दराज खुलवाकर जेवर और काउंटर से करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। कुल मिलाकर करीब 30 लाख रुपए की लूट हुई है। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। आपको 30 लाख सुपर का माल लेते हैं और तो पिस्टल दिखा करके गिरा करके अच्छा और सामान समेत लिया झोरा में। अच्छा, इसमें कैश कितना था? कैश 1.5 लाख के लमसम में था और सोना चांदी था। काउंटर पे कितने लोग थे? काउंटर पर हम बच्चा था, मेरा बच्चिया था और स्टाफ सब काम कर रहा था। अपना 200 ग्राम सोना और करीब 25-27 किलो चांदी वो लेकर के भागे हैं। बोला जा रहा है कि उनके पास आर्म्स भी था पिस्टल का, ठीक है, तो उसको ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, पता कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह से निकाला जा रहा है उसका और जो भी रूट पर जिसको लोग जा सकते हैं उस रूट पे चेकिंग हो रही है। कोई बताया कि कितने के राशि होगा जितने की लूटी हुई, कोई एस्टिमेट? राशि हो तो ज़्यादा बेहतर बताया, किलो के हिसाब से बताया गया है। उसमें करीब 600 ग्राम सोना था।